हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आज जो टॉपिक है वो है हमारा नाइट्रोजन का। हाँ, सामान्य व्यवहार। हाँ, सामान्य व्यवहार। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तत्व है पांच। इन पांचों तत्वों में से नाइट्रोजन का गुण जो है सबसे अलग है। नाइट्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो अलग है। कल मैंने देखा था, जब मैंने नाइट्रोजन NH3 की अभिक्रिया या नाइट्रोजन के हैलाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई थी, तो देखिए नाइट्रोजन ही अलग कंपाउंड बना रहा था, बाकी कंपाउंड सेम बना रहे थे। जैसे कि ये सभी HCl निकाल रहे थे और ये HCl नहीं निकाल रहा था। तो नाइट्रोजन के ऐसे कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो नाइट्रोजन को इन सबसे अलग व्यवहार प्रदर्शित करने पर मजबूर करता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं या कौन कौन से वो गुण हैं जिसके कारण नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं असामान्य व्यवहार। जैसे नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा, आकार सबसे छोटा तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। ठीक है ना, और खाली रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थित, यानी कि इसमें खाली डी कक्षक नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सा, खाली डी कक्षक नहीं है इसमें। अगर खाली डी कक्षक नहीं है यानी कि ये +5 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाएगा। ऑक्सीकरण संख्या +5 नहीं दिखाएगा मतलब NX5 नहीं बनाएगा। अब समझ में बात आ रही है? तो ऐसे इसके कई सारे गुण हैं जो इसको अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग करने की कोशिश करता है। उन्हीं गुणों को कहा जाता है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए इसमें लिखिए, मैं बोलता हूं, ये नाइट्रोजन का परमाणु आकार, नाइट्रोजन का परमाणु आकार नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा कामा विद्युत ऋणात्मकता उच्च आयनन विभव उच्च डी कक्षकों की अनुपस्थित, डी कक्षकों की अनुपस्थित होने के कारण या अपने वर्ग के
या अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। इसे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं, इसे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसके असंगत गुण निम्न हैं। इसके जो असंगत गुण हैं, जो इसको अलग करते हैं, वो गुण कौन कौन से हैं? तो वो निम्न हैं। नंबर एक करें, देखो, अगर मैं बात करूं सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व तो क्या है? जबकि वर्ग के अन्य तत्व तो, जबकि वर्ग के अन्य तत्व तो, अन्य सभी तत्व तो, ठोस हैं। तो पहला गुण इसका भिन्न हुआ, ये गैस नाइट्रोजन, बाकी सब ठोस। दूसरी प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन द्वि परमाणु है। नाइट्रोजन द्वि परमाणुक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है N2 होता है ना, द्वि परमाणुक है। जबकि वर्ग के अन्य सभी तत्व बिस्मित को छोड़कर, जबकि वर्ग के अन्य सभी तत्व बिस्मित को छोड़कर, क्योंकि बिस्मित नहीं दिखाता है ना, जबकि वर्ग के अन्य सभी तत्व चतुष परमाणु हैं, टेट्रा एटॉमिक हैं, टेट्रा एटॉमिक हैं। पता है ना, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, फास्फोरस P4, आर्सेनिक AS4 बनाता है, पता है ना। नाइट्रोजन केवल N2 के रूप में होता है और बाकी सब चार, और बिस्मित जो है केवल सिंगल होता है, क्योंकि मेटल है वो। तीसरा गुण इसका, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड स्थाई है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन सा था? NH3 ना, यहां पे लिख लेना NH3। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 स्थाई है, जबकि इस
वर्ग के अन्य सभी तत्वों के हाइड्राइड कम स्थायी या अस्थायी हैं। नंबर 3, बताना बताया था NH3 सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर AS3, फिर SBH3 और सबसे बाद में BIS3। हो गया, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्या है? नंबर चार देखिए। नाइट्रोजन के हेलाइड NF3, NCl3, NBr3, Ni3। नाइट्रोजन के हैलाइड अस्थाई हैं। जो नाइट्रोजन के हैलाइड बनते हैं वो अस्थाई होते हैं, मैंने कल तो बताया था आपको। और प्रबल विस्फोटक है, और प्रबल विस्फोटक है, जबकि 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 इस वर्ग के अन्य तत्वों के हैलाइड स्थाई हैं और विस्फोटक नहीं है। स्थाई है और विस्फोटक नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के जो हैलाइड हैं वो अस्थाई हैं और विस्फोटक भी हैं, ठीक है ना। ये चार गुण हैं जो नाइट्रोजन को अपने वर्ग से तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करने पर मजबूर करता है, ठीक है ना। या जिसके ये गुण जो हैं जो नाइट्रोजन के असमान व्यवहार को दर्शाते हैं, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असमान व्यवहार को दर्शाते हैं। नोट हो गया, चलिए अब देखिए। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन को बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। अणुसूत्र N2, अणुभार 28, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा ना। तो आज नाइट्रोजन के बनाने की विधियां, नाइट्रोजन के बारे में जानकारी सब लेंगे, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन है हमारा वो संयुक्त और मुक्त, ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब N2 के रूप में भी मिलेगा और किसी कंपाउंड के अंदर, ये किसी कंपाउंड के अंदर जैसे कि NaNO3, KNO3,
इनके अंदर भी विद्यमान रहता है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था के रूप में, और केवल N2 के रूप में है तो उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था के रूप में। तो ये मुक्त अवस्था में भी है और संयुक्त अवस्था के रूप में भी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चिली, साल्ट, पीटर, चिली साल्ट पीटर। और इसको बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। एक और है हमारे पास में CaNO3 का होल ट्वाइस, नॉर्वे साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि अपने यहाँ भारत देश से KNO3 जो आप लोग देखते हैं ना बारूद, उस बारूद को बनाने के लिए इस KNO3 का उपयोग जो है अधिक किया जाता था, और इसका यहाँ से निर्यात होता था, तो ये यहाँ से जाता था दूसरे देशों के लिए, सबसे ज़्यादा अपने यहाँ ये होता था और अपने यहाँ से दूसरे देशों को में ये भेजा जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। और इससे जो है बनाया जाता है बारूद, जो भी विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उनको बनाया जाता है इससे, ठीक है ना। कि बारूद बनाओगे तभी तो उसके अंदर रखोगे, बारूदी विस्फोट होती है ना हमारी, ये बारूद बनाने के लिए उपयोग किया जाता था और अपने यहाँ देश से दूसरे देशों में ये सबसे अधिक भेजा जाता था, या अपने यहाँ सबसे अधिक प्राप्त होता था, या अपने यहाँ इसका सबसे अधिक निर्यात होता था, अपने यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है ना। तो ये जो है इनमें जो है संयुक्त रूप में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन गैस मिलती है हमको, ठीक है ना। चलिए तो कुछ जानकारी आपको मैंने दे दी, लिख लीजिए इसको, मैं बोल देता हूँ, लिखिए। नाइट्रोजन प्रकृति में, नाइट्रोजन प्रकृति में, नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त व संयुक्त अवस्था, मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं या दोनों रूपों में, लिख लो, दोनों रूपों में पाई जाती है, दोनों रूपों में पाई जाती है। यह मुक्त अवस्था व संयुक्त अवस्था में मैं चिली साल्ट पीटर NaNO3 इंडियन साल्ट पीटर KNO3 नॉर्वे साल्ट पीटर CaNO3 का होल ट्वाइस के रूप में उपस्थित होती है, उपस्थित है, ठीक है। अगली हेडिंग है बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है, चल, बनाने की विधियां में आता है सबसे नंबर एक पर
प्रयोगशाला विद, प्रयोगशाला विद। देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूं, ठीक है ना, प्रयोगशाला विद को करें। चलिए देखिए इसकी हिंदी जो लिखनी है वो पहले मैं रिएक्शन समझा दूं, उसके बाद में हिंदी लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, NH4Cl, क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट। ये है अमोनियम क्लोराइड और ये है सोडियम नाइट्राइट। अब देखो NH4 पे प्लस, Cl पे माइनस, Na प्लस और NO2 पे माइनस। तो ये देखो ये आपका मेटल और नॉन मेटल सबसे पहले अलग हो गए, क्या बन गया NaCl, क्या बचा NH4 और NO2, NH4 NO2। और ये इस रूम में स्थाई नहीं है, ठीक है ना, ये जो बना है ये इस रूम में स्थाई नहीं है, ये थोड़ा सा हीट होने पर क्या हो जाता है। सबसे पहले यहां चेक करो कि इसमें से हम जल के कितने अणु निकाल सकते हैं, जल के कितने अणु निकाल सकते हैं, तो चेक करो। देखो यहां पर जल, जो जल होता है, जल का सूत्र जो है H2O है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक जल का अणु बनाते हैं, एक जल का अणु, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यहां पर चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से कितने जल के अणु बन सकते हैं, दो जल के अणु बन सकते हैं, चार हाइड्रोजन दो दूनी चार, दो ऑक्सीजन हो गया। और बचा क्या यहां पे, देखो N और N, क्या बन गया N2 बन गए N2। सबसे पहले जल के अणुओं को निकाला करो, और एक जल के अणु में कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, निकल गया हमारा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट। तो ये देखिए मेरी नाइट्रोजन गैस बनके तैयार, जो मैं बनानी थी नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये और ये आपके कट जाएंगे, क्यों, ये बराबर का निशान है, इसको इधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, जोड़ के लिख दो, लेफ्ट लेफ्ट वाले और राइट राइट वाले। तो क्या है हमारे पास, NH4Cl, NaNO2, NaCl प्लस N2 प्लस 2H2O। और देखो ये रिएक्शन ऐसे क्यों हुई, ये आयन इसको अपना दे रहा है, ये आयन इसको अपना दे रहा है, क्योंकि ये आयनिक अभिक्रिया है, ये भी एक आयनिक यौगिक है और ये भी एक आयनिक यौगिक है, और जहां पर आयनिक यौगिक होंगे वहां पर आयनिक अभिक्रियाएं होंगी। अभिक्रियाएं आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ी होंगी, NCERT में अब नया आया है अभिक्रियाएं, तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा और बैलेंसिंग भी पढ़ी होगी। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि है, हिंदी क्या लिखोगे, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, क्या हिंदी लिख लोगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, क्या है हमारी हिंदी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ
गर्म करते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना, लिख लोगे ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हिंदी लिख लेना अपने आप। तो हमने क्या क्या देखा है, प्रयोगशाला विधि। अब नंबर दो देखिए, अमोनिया डाई क्रोमेट से, अमोनियम डाई क्रोमेट से, तो आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आएगा तो रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है। देखो, अमोनियम NH4 डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, अमोनियम Cr2O7 डाइक्रोमेट हो गया। अब आप जानते हो कि इस पर एक प्लस होता है और ये अपनी वैलेंसी को चेंज करते हैं, एक इसको देगा, ये दो इसको देगा, तो सूत्र क्या बना, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको आप सीधा हीट कर दो, इसको आप सीधे गर्म कर दो, ठीक है ना, आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। रिएक्शन बनाने का तरीका देखो, मैंने बोला था जल के कितने अणु निकाल सकते हो, तो चेक करो यहाँ पे 4 × 8, 8 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो 8 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन में से हम कितने जल के अणु निकाल सकते हैं। तो भैया एक हाइड्रो जल के अणु के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, और हाइड्रोजन है 4 8, तो 4 × 8, 8 हाइड्रोजन हुए खत्म हो चुके हैं, और इसमें से 4 ऑक्सीजन खत्म हो गए, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 3, यानी कि 4H2O, 4 जल के अणु बनेंगे। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन 8 चले गए, क्या बचा, N, और ये 2, तो N2 हो जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस बन गए। बचा क्या, ये बचा है Cr2 और 3 ऑक्सीजन, Cr2O3 बचा। देखो Cr2 और 3 ऑक्सीजन, Cr2O3, हो गया। अब देखो सबसे जरूरी बात, हिंदी क्या लिखोगे इसकी पता है ना, हिंदी वाली क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये तो सिंपल सही बात थी जो हमारी, वो आपने कर ली, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर इस रिएक्शन की जानकारी कैसे मिलती है कि ये रिएक्शन हो चुकी है। जैसे कि भाई देख लीजिए, हमने फ्लास्क लिया, उसके अंदर अमोनियम डाइक्रोमेट भर दिया, गर्म कर दिया, अब यहां से N2 गैस निकली, ये हम कैसे जानेंगे। देखो भाई गैस है, हमें दिखाई तो देगी नहीं, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात है, फ्लास्क के अंदर झांकेंगे नहीं हम, भाई कांच का है, बाहर से ही देखेंगे, तो कैसे देख के पता लगेगा कि ये रिएक्शन हो चुकी। तो इसके लिए आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं, ये ऑरेंज कलर का होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, जब आप लोगे तो स्टार्ट में आपको ऑरेंज कलर कलर दिखाई देगा, संतरी रंग, जानते हो ना ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा, तो समझ जाना अभी रिएक्शन नहीं हुई है। जैसे ही ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदलने लगे, ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदलने लगे, हरे रंग में बदलने लगे, तो
तो समझ जाना रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस बन चुकी है, और ये हरा रंग Cr2O3 के कारण ही बनता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होकर मतलब अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो इसका कलर जो है हरा होता है। और ये जब स्टार्ट में लेते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का रंग संतरी ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज कलर जो है ग्रीन रंग में चेंज हो जाता है, जिससे पता लग जाता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है ना पॉइंट? अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? धन्यवाद।